हूँ सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। जैसा कि आपको हम बता दें कि एलनाबाद शहर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से शिव कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज 13 फरवरी को एलनाबाद शहर में इसी आयोजन के तहत एक शिव कथा आयोजन के तहत मंगल कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो कि शहर के बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुई है और पूरे शहर से शुरू निकलती हुई कथा आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। ये कथा कल 14 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक हर रोज शाम को 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनाज मंडी के गेट नंबर 1 के नीचे आयोजित होगी। इसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वी सुश्री गरिमा भारती जी अपने पवित्र मुखारविंद से अपनी ओजस्वी वाणी में करेंगी शिव कथा करेगी और इसमें शहर के और हजारों सैकड़ों लोग जो है वो कथा आयोजन में पहुंचेंगे। इसी आयोजन के तहत आज जो है भगवान शिव कथा के तहत मंगल कलश यात्रा निकाली जा रही है, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये कथा आयोजन, ये जो मंगल कलश यात्रा है, ये बाबा रामदेव मंदिर से प्रारंभ होकर अब इस समय देवीलाल चौक में पहुंच चुकी है। इसमें सबसे आगे आप देख सकते हैं कि भगवान शिव परिवार को एक बग्घी में बिठाया गया है और उसके पीछे आशुतोष जी महाराज का चित्र है और उसके पीछे सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर पवित्र कलश धारण करके इस आयोजन में चल रही है और उसके पीछे कुछ छात्राएं हैं जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रही है। इस आयोजन को शहर में जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है, लोग फूल मालाओं से इस कथा के साथ चल रहे स्वामी जी का और जो अन्य भक्त है, जो शहर के गणमान्य लोग हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए हम आपको पूरी कथा और इस मंगल कलश यात्रा का पूरा जो दृश्य है वो आपको दिखाते हैं। परिवार से उसके मतलब शाम प्रीवियसली के रहा।
धन्यवाद। आप देखते रहिए केवल चैनल।